सो लेट गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं VOKY Y21A डिवाइस के अंदर आप ऐप ड्रॉवर स्ट्रिंग का यूज कैसे कर सकते हैं। हालांकि VOKY Y21 पे ऑलरेडी वीडियो है आउट, आप जाना चाहे देखना तो देख सकते हो। आई बटन में आपको वीडियोस की लिंक मिल जाएगी, आप जाके उसे देख के इजीली अपने फोन के अंदर ऐप ड्रॉवर का यूज कर सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं VOKY Y21A डिवाइस के अंदर ऐप ड्रॉवर का आप यूज कैसे करेंगे। तो चलो डेमो करते हैं और आपको दिखाते हैं कैसे यूज करना है ऐप ड्रॉवर सेटिंग्स VOKY Y21A डिवाइस के अंदर। सो जैसा कि गाइस यहां पर हमारा डिवाइस है, ऐप ड्रॉवर करने के लिए जस्ट आपको फोन सेटिंग को ओपन करना होगा। हालांकि मैं आपको दिखाऊंगा डेमो भी करके कि ऐप ड्रॉवर एक्चुअली होता क्या है। तो उसके लिए हम सेटिंग्स को सबसे पहले क्लिक करेंगे। यहाँ पर सेटिंग्स में आएंगे, यहाँ पर जहां पर आपको सेम इस तरह से ऑप्शंस मिलेंगे, क्योंकि आपके फोन के अंदर मे भी शायद एंड्रॉइड 12 रन कर रहा होगा। अगर एंड्रॉइड 12 नहीं होगा तो 11 होगा, आपको बहुत ही जल्दी एंड्रॉइड 12 का भी अपडेट रिलीज हो जाएगा। अगर आप बोलेंगे तो मैं उस पर एक अपडेट का वीडियो बना दूंगा जिसमें बता दूंगा कैसे आप जो है विदाउट सेटिंग के भी एंड्रॉइड 12 अपडेट कर सकते हैं। नीचे अगर आप आएंगे यहाँ पर सेटिंग्स के अंदर, तो नीचे एक ऑप्शन मिलेगा आपको लॉक स्क्रीन वॉलपेपर का। यहाँ पर लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर इस तरह से आपको एक सेटिंग्स मिलेगी, वो एंड्रॉइड 12 के अंदर ही मिलती है, तो आप इसको जस्ट क्लिक करेंगे यहाँ से। इसके बाद हमारे पास इंटरफेस आएगा जिसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, थीम्स, वॉलपेपर एंड लॉक स्क्रीन सेटिंग्स, एक ऑप्शन अभी आपको मिलेगा लास्ट में, वो है होम सेटिंग्स का। इसको जस्ट होम सेटिंग्स को क्लिक करेंगे। मोस्टली क्या होता है, जितने डिवाइस के अंदर ऐप ड्रॉवर का ऑप्शन होता है उसमें आपको फर्स्ट नंबर पे होम स्क्रीन स्टाइल इस वाले ऑप्शन के अंदर आपको ऐप ड्रॉवर इजिली मिल जाता है। लेकिन गाइस कुछ ऐसे फोन होते हैं जिसमें आपको बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स तो मिलते हैं लेकिन आप इसे बंद और चालू नहीं कर सकते हैं। VOKY Y21 भी उसमें से एक डिवाइस है जिसमें ऐप ड्रॉवर एक्चुअली है तो, लेकिन हम उसको स्टैंडर्ड मोड में यूज नहीं कर सकते। हाँ, हालांकि अगर आप करना चाहें स्टैंडर्ड मोड में तो उसके लिए आपको एक लॉन्चर की जरूरत पड़ेगी जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। हालांकि हम बात करें VOKY Y21A डिवाइस की, तो इसके अंदर आप आना अपने फोन सेटिंग के अंदर और यहाँ पर जिस तरह से होम स्क्रीन स्टाइल वाला ऑप्शन हमारे फोन में यहाँ पर दिख रहा है, तो सेम ऑप्शंस आपको अगर यहाँ पर शो करता है तो आप यहाँ से स्टैंडर्ड और ऐप ड्रॉवर दोनों का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर ये ऑप्शंस आपको यहाँ पर नहीं मिलता तो आपका फोन, अगर आप देखेंगे, मैं आपको ड्रावर मोड के यूज करके दिखाता हूँ। यहाँ पर ड्रावर मोड सेलेक्ट कर रहे हैं, इसको कट कर देंगे। अगर वो ऑप्शन वहां पर होगा स्टैंडर्ड और ड्रॉवर मोड का, तो आपको वहां पर ऑफ ऑन करने का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर नहीं होगा तो बाय डिफॉल्ट आपको इसी तरीके से एप्लीकेशंस आपको देखने को मिलते हैं ड्रॉवर मोड में, जिससे आप वहां से कस्टमाइज नहीं कर सकते। दैट मींस आप उसे बंद नहीं कर सकते और वहां से आप स्टैंडर्ड मोड का यूज नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप सेटिंग्स आपको आपके फोन में मिलती है जिस तरह से आप हमारे फोन में देख रहे हैं, तो आप इसे बंद और चालू दोनों कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, जाना है फोन सेटिंग के अंदर और अपना फोन के अंदर चेकआउट करना है लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर सेटिंग्स के अंदर, जिसमें यह देखना है कि आपके फोन के अंदर ये जो ड्रॉवर वाला स्टाइल वाला ऑप्शन है, लाइक मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पर होम स्क्रीन में होम स्क्रीन स्टाइलिंग वाला ऑप्शन अगर है तो आप इसे इजिली चालू और बंद कर सकते हैं। तो एक बार ट्राई कर लेना, अगर आपको ये बंद करने का और चालू करने का दोनों ऑप्शन है ऐप ड्रॉवर में, तो जो है आप इसे इजिली यूज कर सकते हो। अदरवाइज आपको क्या करना है, जो भी आपका फोन बाय डिफॉल्ट ड्रॉवर मोड में है तो आप उसे बंद नहीं कर सकते, ड्रॉवर मोड में ही आप उसे इजिली यूज कर सकते हैं। VOKY Y21 में ये सेटिंग्स थी, बंद कर नहीं सकते उसके अंदर, लेकिन हो सकता है मे भी आपके फोन के अंदर इसे बंद और चालू करने का दोनों ऑप्शंस एंड्रॉइड 12 के साथ अपडेट होने के बाद मिल गया हो। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना अगर एंड्रॉइड 12 है, क्या फिर भी आपको ऐप ड्रॉवर का सेटिंग इसी तरह मिल रहा है, या फिर आपको जो चीजें बाय डिफॉल्ट ऐड होती थी पहले, बाय डिफॉल्ट जो ऐप ड्रॉवर था वैसा ही मिल रहा है, वो कमेंट कर देना नीचे कमेंट बॉक्स में। अगर आपके मन में इसके रिगार्डिंग कोई कंफ्यूजन वगैरह होती है तो नीचे कमेंट सेक्शन है, आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।